महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने उन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है जो राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने उन पर लगाए हैं। नवाब मलिक के दामाद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग मामले के संबंध में 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक का कहना है कि साजिश के तहत समीर को पकड़ा गया है, जबकि वानखेड़े का कहना है कि वो देश में ड्रग्स धंधा हटाने के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं। उन्हें अगर इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो उन्हें मंजूर है। नवाब मलिक का आरोप, समीर वानखेड़े तोते की तरह है, वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। समीर वानखेड़े का जवाब, मैं ड्रग्स पर कार्रवाई के लिए काम कर रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। नवाब मलिक का आरोप, समीर वानखेड़े दुबई गए थे, वहां उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों से डीलिंग की। समीर वानखेड़े का जवाब, मैं कभी दुबई नहीं गया, अपने परिवार और बहन के साथ मालदीव गया था, इसकी सूचना मैंने सरकार को दी। नवाब मलिक का आरोप, हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत हैं, समीर वानखेड़े की नौकरी जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। समीर वानखेड़े का जवाब, मंत्री को सबूत पेश करने चाहिए, मैं सिर्फ एक अधिकारी के नाते अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहा हूँ, मुझे अगर कर्तव्य के निर्वाह में जेल भी जाना पड़े तो मुझे गौरव होगा, मैं सच्चाई पर काम करता रहूंगा। नवाब मलिक का आरोप, हमारे पास दुबई के कुछ फोटो हैं, जिसमें समीर वानखेड़े फिल्म जगत के लोगों के साथ हैं। समीर वानखेड़े का जवाब, ये फोटो जो दिखाए गए हैं वो दुबई के नहीं मुंबई के हैं, इनकी जांच की जा सकती है। नवाब मलिक का आरोप, समीर वानखेड़े चुन चुन कर कुछ खास लोगों को निशाना बना रहे हैं। समीर वानखेड़े का जवाब, हम कुछ पुख्ता सूचनाओं के आधार पर काम कर रहे हैं, इस कार्रवाई के कारण मेरे परिवार, पत्नी, बच्चों और माता पिता पर भी निजी टिप्पणियां की गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच आरोप प्रत्यारोप का तीखा दौर चल पड़ा है। मंत्री नवाब मलिक ने पिछले दिनों पूना जिले में एक सभा में समीर वानखेड़े पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि उनके दामाद समीर खान के ड्रग्स के झूठे आरोपों में साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। समीर वानखेड़े किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की इस सभा में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर निजी आरोप भी लगाए और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि समीर वानखेड़े के मामले में उनके पास पुख्ता सबूत हैं, उन्हें एक साल के अंदर जेल जाना पड़ेगा और नौकरी गंवानी पड़ेगी। नवाब मलिक ने कहा कि वो तोते की तरह है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले साल समीर वानखेड़े दुबई गए थे, उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों से डीलिंग की, वो बिना बताए इस यात्रा पर गए थे। नवाब मलिक समाजवादी पार्टी में थे, बाद में वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हुए। उन्हें एनसीपी नेता शरद पवार का बेहद करीबी माना जाता है। महाराष्ट्र में जब 2019 में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। गौरतलब है कि जब जनवरी में समीर खान को गिरफ्तार किया गया तो नवाब मलिक ने बयान दिया था कि वो संविधान और कानून के आड़े नहीं आएंगे, वो संविधान और कानून का पालन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके बयानों में तल्खी आने लगी, खासकर शाहरुख खान के बेटे को जेल होने के बाद उनके बयान और तीखे होते चले गए। अब नवाब मलिक के आरोपों के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का जवाब आया है। उन्होंने खुद के ऊपर लग रहे आरोपों का एक एक करके जवाब दिया है। वानखेड़े ने कहा है कि वो कभी दुबई गए ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा अधिकारी हूँ, अगर मंत्री ड्रग्स पर कार्रवाई के लिए उन्हें जेल में डालना चाहते हैं तो स्वागत है, इससे मेरा हौसला कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। वानखेड़े ने कहा कि मेरे ऊपर दुबई घूमने के जो आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, मैं कभी दुबई गया ही नहीं, इस बात को वेरीफाई कराया जा सकता है, मेरा पासपोर्ट वेरीफाई करें।
सबूत दें। जो होटल का फोटो दिखाया गया है वो मुंबई का है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके और उनके परिवार सदस्यों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की जा रही हैं। इसे रोकना होगा। कहा कि वो किसी से डरते नहीं। उन्हें एक अधिकारी के पद पर जो जिम्मेदारी मिली है उसका पालन बिना किसी डर के करते रहेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एक लंबे दौर से चल रही एनसीबी की कार्रवाई पर एनसीपी नेता शरद पवार ने अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि शिवसेना ने समीर खान और आर्यन के मामले में अलग रहना ठीक समझा है। शिवसेना ने इस झमेले में पड़ना ठीक नहीं समझा। शिवसेना ने कहा कि ये एक कानूनी मामला है, इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।